आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, हरियाणा की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन पर इस वर्ष भी महिलाओं और बच्चों को तोहफा देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। सीएमओ की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है, रक्षाबंधन पर्व पर तोहफा देते हुए इस साल भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें। दिल्ली के बाद अब हरियाणा के पंचकुला में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का सम्मान किया जाएगा। पंचकुला में वह मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने गोल्ड मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा के लिए 6 करोड़ रुपए नगद इनाम की घोषणा की है। पानीपत के खांडरा गांव के निवासी जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा है। उन्होंने भारत को ओलंपिक के एथलेटिक्स इवेंट में 121 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। इसके बाद से नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर अपनी जान दे दी। 11वीं क्लास की छात्रा लगातार छेड़छाड़ से परेशान थी। उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मामला गुरुग्राम के पटौदी इलाके का है। मृतका की मां ने रोहित नाम के शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक स्कूल से आते समय रोहित 17 वर्षीय मृतका को परेशान करता था। मृतका की 16 वर्षीय छोटी बहन ने इस वारदात को लेकर अहम खुलासा किया है। उसने बताया कि रोहित मृतका पर भागकर शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। गुरुग्राम के पटौदी इलाके में धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।